ईमान मजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। मजीद जान लेते हैं आसिफ नवीद से। आसिफ बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई अदालत की जानिब से। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजमी करार दे दिया है। अदालत ने हदायत के साथ दरख्वास्त भी निपटा दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ईमान मजारी एडवोकेट की मुकदमात तफसीलात फरहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाप्त की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने अदालत को बताया कि हमने मुकदमात की तफसीलात फरहमी के लिए सूबों को गुज़श्ता समाप्त के बाद लिख दिया था। सूबों को फैक्स और व्हाट्सएप भी कर दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौका बनाया कि पिटिशनर को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने बगैर अदालत को आगाह किए ईमान मजारी को किसी भी गिरफ्तारी से रोक दिया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह किया जाए। अदालत ने हदायत के साथ केस जो दरख्वास्तें निपटा दी हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, आपने आगाह किया।